सो गाइस आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं अपने ड्रीम बाइक का डिलीवरी लेने के लिए, जहां पर हम लोग पहुंच गए आज होंडा बिग विंग के शोरूम में। सो काफ़ी टाइम से यार ये गाड़ी की प्लानिंग चल रही थी कि हम लोगों को ये गाड़ी लेनी है, और काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल भी रही थी, काफ़ी रिसर्च चल रहे थे मेरे। सो आज फाइनली हम लोग जाने वाले हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। राइट नाउ वी आर एट वासी स्टेशन। सो अभी वासी स्टेशन पे हम लोग, और हम लोगों को नेरुल जाना है, हमारी कैब आ रही है अभी, तो कैब बुक कर दिया है मैंने ऑलरेडी। तो कैब जैसे ही आएगी हम लोग बैठेंगे एंड देन वी विल गो टू नेरुल शिरवने, जहाँ पर अपना होंडा का बिग विंग का शोरूम है। सो जो गाड़ी की बुकिंग है वो सब काम हो चुका है, बस खाली इतना पेंडिंग है कि हमको जाना है और गाड़ी डिलीवरी लेके आना है। सो फाइनली वी आर लिविंग टूवर्ड्स नेरुल एंड बाकी के बाद शोरूम के बाहर भी करेंगे, और बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है अभी। मतलब हम लोग ने ऑलमोस्ट सारा काम करके रखा है, सिर्फ जो मेन काम अपना बाकी है वो है लाइक गाड़ी बस लेके आना है अभी, और बाकी के काम तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को व्लॉग्स में बताया हुआ है ऑलरेडी, आप जो प्रीवियस व्लॉग्स में अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, बिकॉज अब तो कंटेंट क्या ही आने वाले, बिकॉज हम लोगों ने इतना रिसर्च किया गाड़ी के ऊपर, नहीं नहीं करके भी 1.5 साल अपन ने ऑलमोस्ट वेट किया इस गाड़ी के लिए। बिकॉज इससे पहले आप लोगों को पता है हिमालयन, देन एफ जेड तो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, हिमालयन ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ। सो वेरी बैड, मुझे अच्छा नहीं लगा वो सेल करते ना, बट देन सबसे पहली गाड़ी अपनी यही थी, RAC बुक करना था, बट कहीं ना कहीं वो अपन ने वो रिसर्च में गड़बड़ किया था, जिसकी वजह से अपन ने बुक नहीं किया था। बट फाइनली वी आर बुकिंग नाउ। अभी जो भी है अब आ रही है 1.5 साल बाद, फाइनली 1.5 साल का वेटिंग लग गया अपने को, ऑलमोस्ट 1.5 साल का वेटिंग लग गया। मतलब आप लोग मानोगे नहीं, जब फर्स्ट टाइम मैं बुक करने गया था, जब बाइक ले रहा था ना आदित्य, जब फर्स्ट टाइम मैं बाइक ले रहा था तब मैंने यही गाड़ी देखी थी RS 1.5 साल पहले। मैं आपको बता रहा हूँ जब मैंने बाइकिंग की जर्नी शुरू की थी अपनी, उससे पहले भी दूसरी बाइक थी मेरे पास, बट मैं आपको उसके बाद की न्यू बाइक की जर्नी बता रहा हूँ। तो मैंने ये गाड़ी बुक किया था, बुक करने के बाद मैं शोरूम लेने गया, शोरूम में जब मैंने वो गाड़ी बुक की उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सब हो गया था, बट एंड मोमेंट में अपन ने हिमालयन लिया। आई डोंट नो हाउ वो डिसीजन मैंने क्यों चेंज किया, वो मेरे को क्या चुल मची थी कि मैंने वो डिसीजन चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ना मेरे को बहुत 1.5 साल वेट करना पड़ा ये गाड़ी का, 1.5 साल ठीक है नेवर द लेस। बट अब जब आएगी ना तब अपन ने प्रॉपर अपने को ना बस करना है यार, अभी इस बार हो जाना चाहिए, बिकॉज अपन अभी 2000 ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं, एंड जैसे जैसे 10K और 50K का अपन ड्रीम लेंगे आगे जाके करेंगे, ठीक है ये सारी चीज़ें भी होगी। बाकी इंस्पिरेशन के लिए मैं ऑलवेज निखिल सर को मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि यार जिस हिसाब से बंदे ने सिखाया ना हर एक चीज़, और श्रीमान लेजेंड जिन्होंने बहुत सिखाया ठीक है, इन लोगों को थैंक्स बोलूँगा कि इतना अच्छा हम लोगों को जो एक ये क्या बोलते हैं इसको पैशन है वो फॉलो करवा रहे हो। सो थैंक यू सो मच टू दिस बोथ यूट्यूबर। एंड अभी चलो बहुत बातें हो गई, अभी सीधा मिलते हैं शोरूम के बाहर। सो वी हैव रीच्ड फाइनली, यहाँ पर हम लोग, ये है शोरूम अपना, अभी अंदर जाते हैं, डिलीवरी का काम अभी बहुत बाकी है, मतलब डिलीवरी सिर्फ लेना है तो वो बचा हुआ है वो काम, और बाकी अभी सब काम तो आदित्य ही करने वाला है, अभी सिर्फ अपने को देखो ये गाड़ी है, यू कैन सी दिस, आई थिंक यही है, पता नहीं ये है कि अंदर खड़ी है, पता नहीं। और यहाँ जैसे ही शोरूम के अंदर हम लोग एंटर करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ट्रांसक्लैब देखने को मिलती है 850 cc। गाइस इतना पागल हो गया था मैं इस गाड़ी को देख के कि मतलब मैंने इसका एग्जॉस्ट नोट सुना, इतना लाउड एग्जॉस्ट नोट था मेरे माइक में ना, उसमें नॉइस कैंसिलेशन आने लगा तो इसका आवाज़ नहीं आया। बाकी बहुत मज़ा आया इस गाड़ी पर बैठ के, बट हम लोग किसी और गाड़ी का डिलीवरी लेने आए हैं तो वो देख लेते हैं पहला फटाफट। फिर थोड़ी देर में शोरूम एग्जीक्यूटिव मेरी गाड़ी लेकर आते और यहाँ पर अपनी गाड़ी आ चुकी है, ये लुक देखो रेड कलर में इतनी बढ़िया लग रही है ये वाली, फिर उसको लोग सेट करते हैं और क्या ही लुक आ रहा है, लिटरली मैंने इसका सिनेमैटिक लिया यहाँ पर, और फिर ये लोग इसको कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, फटाक से इसको कवर करते हैं यहाँ पर रिवील करने के लिए। यहाँ पर मैं अनरिवील करके अनरिवील कर रहा हूँ, थोड़ा उल्टा हो रहा है गाइस। सो गाइस फाइनली द डे अराइव्स। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये जो गाड़ी एक्चुअली अपन लेने वाले थे 1.5 साल पहले, ठीक है 1.5 साल पहले जब मैं शोरूम में आया था सेम यही लोग थे, जब मैं आया था तब मैंने RS देखी थी, अपने टेस्ट राइड लिया था, तब वो गाड़ी अपने लिया नहीं था, किसी दूसरे गाड़ी में गए थे अपन, बट वो रिसर्च कुछ गड़बड़ हो गई थी, बट ठीक है फाइनली द डे एंड्स। 1.5 साल बाद आज अपन इसको अनरिवील करने जा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि ये गाड़ी आ रही है अपने पास, बिकॉज इसके बाद
बाद हम लोग को शोरूम एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ब्लूटूथ से गाड़ी को कनेक्ट करवाते हैं, बिकॉज मेरा ब्लूटूथ मॉडल है तो हम लोग फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं गाड़ी से। सो यहाँ से हम लोग जैसे शोरूम से बाहर निकले, देर वॉज वन इशू हैपन कि हम लोगों का माइक हम लोगों ने GoPro में अटैच करना बिल्कुल भूल गए थे, एंड जिसके वजह से मैंने जब शोरूम के बाहर गाड़ी निकाली और जो जो बातें मैंने की थी शोरूम के बाहर वो सब रह गया। और ये इतना मेन दिन में ये चीज़ इतनी गलती हो गई कि आई फेल्ट वेरी बैड। मैं घर पे आने के बाद एडिटिंग जब स्टार्ट किया तब आई फेल्ट वेरी बैड कि साउंड नहीं आ रहा था। तो जैसे तैसे निकले वहाँ से, एंड देन फ्यूल वगैरह हम लोग ने भरवाए, फ्यूल भरवा के हम लोग निकले डायरेक्टली, पार्क किए गाड़ी को, बिकॉज पूजा वगैरह कुछ नहीं हुआ था गाड़ी का और आज नहीं होने वाला बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका था। सो हम लोगों ने फटाफट फटाफट चला के हम लोग पहुँचे हम लोग पार्किंग में, एंड हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया, देन आगे की बातें देख लो आप। सो आई फाइनली एंडिंग दिस ब्लॉग, और अभी फिलहाल ब्लॉग एंड करने का मन नहीं कर रहा है, गाड़ी छोड़ के जाने पड़ रहा है आज के दिन में। पार्किंग डाल दिया है मैंने, अभी पूजा नहीं हुआ है गाड़ी का, नंबर प्लेट नहीं आया, एरिया में पड़ी रखने से तो अच्छा पार्किंग में डाल के रखूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पूरे टाइम एरिया में पार्क रहेगी ना, मुझे कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगा, तो पूरा टाइम अपने को एरिया में पार्क नहीं रखना है। गाड़ी डाल के रखी है इधर, और आदित्य अभी तक साथ है, अभी तक मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो मेरे साथ है, उसको भी बहुत अच्छी लगी गाड़ी, तेरा जेनुअन मतलब जेनुअन तू, क्योंकि तू ट्रैम के टाइम पे भी मेरे साथ में आया था। हाँ। और तू साथ में रहा है, तुझे पता है, ठीक है, तू तेरा क्या बोलना चाहेगा, मतलब एक फाइनल हैवी था गाड़ी, आई मीन लाइक हैवी इन द सेंस वेट, हैवी इन द सेंस फील, मैं बैठा था तो इवन एटमॉस्फेयर बहुत हैवी था, लाइक वो पूरा एकदम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ऑल, तो उसको ओवरऑल मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। अभी अपन अभी आएंगे डायरेक्टली 4 दिन के बाद 17 तारीख को जब मेरे को, क्योंकि बोला है उन्होंने 3 से 4 दिन आपको लग जाएगा नंबर प्लेट आने को, एक बार नंबर प्लेट आ गया तो बाकी का काम अपन निपट सकते, ठीक है। सो यही था ब्लॉग में, होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, अभी तो वीडियोज़ आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस साइनिंग आउट।